एक लड़की अपने साइकोलॉजिस्ट के प्यार में पड़ती है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं तब उसे साइकोलॉजिस्ट के बारे में अजीब अजीब चीज़ें पता चलती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी द डबल लवर, ये 2017 की फ्रेंच एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। जैसे इस मूवी का मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा तो बहुत चीज़ें आपको अजीब लग सकती है, पर लास्ट में जो ट्विस्ट आता है और जो भी चीज़ें आपको पता चलती है उससे आपका पूरा इस एक्सप्लेनेशन का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है क्लोई, एक डॉक्टर के पास आई हुई थी। उसे स्टमक पेन्स है और एक किस वजह से, ये डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता। उसने स्टमक पेन्स के बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया हुआ है। ये डॉक्टर अब उसे कहती है कि तुम्हारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। उसके बाद लुई एज पर डॉक्टर सजेशन लुइस के पास जाने वाली है। वो लुइस के पास गई और लुइस कुछ भी बात नहीं कर रहा था, तो क्लोई खुद अपनी बात स्टार्ट करती है। अपने स्टमक पेन के बारे में वो सब कुछ उसे बताती है। वो 25 ईयर्स की है, अपनी कैट के साथ रहती है। आजकल वो जॉबलेस है, पर एज अ मॉडल उसने बहुत सारे पैसे कमाए हुए थे, तो उसे ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके कुछ लव अफेयर्स थे और अब ज़्यादा कुछ सीरियस उसके लाइफ में नहीं है। ये सब उसकी बात हुई और फर्स्ट सेशन उसका खत्म हुआ। नेक्स्ट सेशन में क्लोई अपने ड्रीम के बारे में बता रही थी। उसमें वो कहती है कि मेरे ड्रीम में तुम मुझे दिखे थे। उसमें वो प्रेग्नेंट थी और उसका स्टमक बहुत ही हर्ट कर रहा था। उसने इमेजिन किया था कि वो लुइस के साथ इंटीमेट हो रही है। अगले सेशन में बात करती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं खुद कितनी ब्यूटीफुल हूँ ये दिखाना मुझे अच्छा लगता था। वो तो अपनी ब्यूटी सबको दिखाना चाहती थी, पर उसे कोई टच करे उसे कभी भी अच्छा नहीं लगा। वो विश करती है कि उसकी कोई सिस्टर होती जो इस वर्ल्ड से उसे प्रोटेक्ट करती। अगले सेशन में कहती है कि उसकी मदर ने कभी भी उसे प्यार नहीं किया। क्लोए एक मिस्टेक थी। क्लोए के फादर का नाम भी उसकी मदर को पता नहीं है। क्लोए हमेशा अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ ही रही थी। इन दोनों ने मिलकर अब फिगर आउट कर लिया है। क्लोए को नहीं लगता कि उसकी मदर उसे प्यार करती है, इसी वजह से उसे स्टमक पेन्स आते हैं। अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं और क्लोए को एक आर्ट गैलरी में जॉब मिल जाता है। इस जॉब में वो खुश है और उसके स्टमक पेन्स भी अब गायब हो चुके हैं। वो लुइस को थैंक यू कहती है। नेक्स्ट टाइम जब वे मिलते हैं तो लुइस उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। लुइस को क्लोए के प्रति कुछ फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गया है। इस फीलिंग्स की वजह से उसकी ट्रीटमेंट उसे करना ये सही नहीं लगता। लुइस उसे कहता है किसी और को मैं तुम्हें रेफर करूंगा। क्लोए उसके फिर पास आए और इन दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया। इसके बाद और भी टाइम गुजर चुका है। क्लोए अब अपने नए घर में शिफ्ट हो रही है और वो भी लुइस के साथ। अब ये दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में है। घर में जब वो शिफ्ट कर रही थी तभी उसके एक नेबर उसे मिलती है जिसका नाम है रोजे। क्लोए के पास एक कैट थी जो रोजे को पसंद आती है। रोजे कहती है मेरे पास भी एक कैट हुआ करती थी। उसकी कैट की डेथ के बाद उसने कभी भी दूसरी कैट अडॉप्ट नहीं की। घर में सब सामान शिफ्ट करते हुए क्लोए ने लुइस के बैग में कुछ देखा। उसके पासपोर्ट पर अलग सा नाम लिखा हुआ था। इसके बारे में डिनर पर वो लुइस से पूछती है। लुइस कहता है कि मेरा नाम जरा वियर्ड था, ये जो अब मेरा नाम है ये लेने में जरा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने रखा हुआ है। रात में जब ये इंटीमेट होते हैं तो क्लोए लुइस से कहती है हमेशा मुझे सब कुछ सच बताना, कोई भी चीज़ मुझसे छुपाना मत। एक दिन क्लोए जब अपने काम से वापस आ रही थी तो एक जगह पर उसने लुइस को एक लड़की के साथ देखा। रात में इसी के बारे में उसने लुइस से बात की। लुइस कहता है कि मैं तो टाउन के दूसरी तरफ था, उसका हॉस्पिटल बहुत ही दूर है तो उसका वहाँ होना इम्पॉसिबल है। क्लोए को लगता है कि लुइस उस पर चीट कर रहा है। लुइस उसे समझाता है कल रात अच्छे से तुम्हें नींद नहीं आई थी, शायद इसीलिए तुम्हें वैसा लगा होगा। वो मैं नहीं था। क्लोए ने जिस जगह पर लुइस को देखा था, नेक्स्ट डे क्लोए वहाँ जाती है और वहाँ की नेम प्लेट का फोटो निकाल कर लाती है। उस बिल्डिंग के यहाँ भी एक साइकोलॉजिस्ट काम करता है, उसका नाम है पॉल। पॉल को कॉल लगाती है और उसकी एक अपॉइंटमेंट ले लेती है। अगले दिन जब वो पॉल से मिलने के लिए गए तो लुइस की तरह ही दिखता है। इसके बारे में वो पॉल से बात करती है तो पॉल कहता है कि लुइस मेरा ट्विन ब्रदर है। पॉल उससे पूछता है तुम्हें तो मेरे बारे में कैसे पता चला। क्लोए कहती है मेरी सिस्टर ने मुझे बताया। वो पूछता है कि तुम यहाँ आई क्यों हो। क्लोए कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर फिर भी जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे कुछ एम्प्टी सा महसूस होता है। पॉल बहुत ही स्मार्ट है और समझ जाता है कि ये सब झूठ बोल रही है। उसे कहता है कि जब तुम मुझे सच बोलोगी तब हम इस थेरेपी को कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं तुम्हें क्योर कर सकता हूँ। उसे मालूम है कि क्लोए की कोई भी सिस्टर नहीं है। उसे लगता है कि उसकी कोई सिस्टर हो पर वो अकेली ही थी। लुइस पर चिढ़ गई और वहाँ से चली गई। क्लोए जरा फ्रस्ट्रेटेड थी कि लुइस ने अपने ब्रदर के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। वो उससे पूछती है तुम्हारी फैमिली से मुझे क्यों नहीं मिलवाते।
लुइस कहता है कि मेरे पेरेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, जब वो घर आएंगे तब मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। क्लोई का फिर से पेट दुखने लग गया था। लुइस ने नोटिस किया, उसे कहता है कि तुम्हें फिर से साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। एक दिन क्लोई लुइस से पूछती है, क्या तुम कभी विश नहीं करते तुम्हारा कोई ब्रदर हो? लुइस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा चाइल्डहुड बहुत ही हैप्पी था। ये जो भी सब डायलॉग्स है इस पर आप जरा ध्यान दीजिएगा, मूवी के लास्ट में ये आपको जरा इनसाइट दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लोई ने लुइस को सच बताने में मजबूर किया है, उसने अपना नाम क्यों बदला था। इस बार भी लुइस झूठ ही बोलता है। इस बार लुइस कहता है कि मेरी फादर की एक कंपनी थी, उसने बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था, फादर की कोई भी गलती नहीं थी पर फिर भी उन्हें सजा भुगतनी पड़ी, इसलिए वो एक नई कंट्री में है। लुइस अगर अपने पेरेंट्स का ही नाम रखता तो उससे प्रॉब्लम आता, इसलिए अपना नाम उसने चेंज कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लोई रोज को अपनी कैट देकर जाती है, उसे कहकर जाती है कि प्लीज इसे थोड़े दिनों के लिए रख लो, लुइस को कैट पसंद नहीं है। इसके नेबर का मानना है कि जिस आदमी को एनिमल्स पसंद नहीं वो हार्टलेस है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लोई फिर से पॉल के पास आई हुई है, उसे कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मेरी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। पॉल उसे कहता है कि तुम अभी भी झूठ ही बोल रही हो, तुम्हारे यहाँ आने का कुछ अलग रीजन है। वो सेशन यही खत्म कर देता है। क्लोई जब वहां से जा रही थी तो उसने उसे किस कर लिया। रात में वो लुइस से झूठ कहती है, उसने एक्चुअल में लुइस को बताया है कि उसके साइकोलॉजिस्ट एक वुमन है। लुइस उस साइकोलॉजिस्ट को पहचानता है। रात में जब लुइस और क्लोई इंटीमेट हो रहे थे तो वो पॉल को भी वहाँ इमेजिन करती है। वो इमेजिन करती है कि ये दोनों एक साथ उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे और उसके भी दो पार्ट्स बन चुके थे। इसका मीनिंग मूवी के लास्ट में आपको पता चलेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब क्लोई पॉल से मिलने के लिए गई तो डायरेक्टली उसे वो बेड तक लेकर आया। क्लोई उसे कहती है ये सब करने के लिए मैं नहीं आई हूँ, उसे ट्रूथ फाइंड करना है, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है। पॉल को पता है कि ये सब झूठ है, उसे अट्रैक्टेड है तो डायरेक्टली उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद ये रेगुलरली इंटीमेट होते रहते हैं। एक दिन जब ये इंटीमेट हुए तो क्लोई को बहुत ही अच्छा लगा था। क्लोई कहती है कि मुझे इतना प्लीज्ड कभी भी महसूस नहीं हुआ था। पॉल कहता है कि तुमने इमेजिन तो कभी ना कभी किया ही होगा, इसमें क्या फर्क है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉल के पास एक कैट है, इनकी इस पर डिस्कशन होती है और पॉल कहता है कि एक्चुअल में एक मेल कैट है, एक अजीब सी स्पीसीज है, इस स्पीसीज में कभी भी मेल कैट नहीं होते, मेल कैट होने का चांस सिर्फ 1% होता है। एक्चुअल में जब ये कैट वूम में होते हैं तो वहां पर उसके सिस्टर और वो ये दोनों ट्विंस होते हैं। बाद में ये कैट वूम में ही अपने सिस्टर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है कि ऐसा हमारे ह्यूमंस के साथ भी होता है, कभी कभी हम ह्यूमंस भी वूम में ही हमारे सिस्टर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बड़ा होने के बाद कई लोगों को पता चलता है कि उनमें दो टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं। पॉल से मिलने के बाद जब क्लोई घर पर आए तो उसकी नेबर ने उसकी कैट को लूज कर दिया था। ये नेबर उसे कहती है कि बैल्कनी से बाहर चली गई। क्लोई एक रूम से होकर इस बैल्कनी को देखने के लिए जाती है। जिस रूम में वो है इसी रूम में एक टैक्सीडर्मी की हुई कैट उसे दिखती है। ये कैट उसकी कैट की तरह ही है, देखकर वो डर जाती है। नेबर उसे कहती है कि मेरी बेटी की कैट थी, कि मेरी बेटी की मानसिक हालत अब सही नहीं है, वो 20 साल की थी तभी से मेंटल हॉस्पिटल में है। रात में एक पार्टी थी जहाँ पर लुइस क्लोए को लेकर आता है। क्लोए एक कलीग से पूछती है क्या लुइस के ब्रदर के बारे में तुम्हें कुछ पता है, पर इस कलीग को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। दूसरे कुछ साइकोलॉजिस्ट से इस बारे में वो बात करती है, उनसे पूछती है कि आपके पास कोई ट्विंस का केस था। इस पर वो कहते हैं ट्विंस के बीच कुछ कनेक्शन हो सकता है। वो कहते हैं एक बार हमारे पास ऐसा केस था, दोनों ट्विंस में कुछ कनेक्शन था, एक को जो महसूस होता था वही दूसरे को भी पता चलता था। यही इस पार्टी में लुइस क्लोई के पास आता है, एक लेडी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है क्या तुम उसे पहचानती नहीं। क्लोई कहती कि कुछ याद नहीं आ रहा। लुइस कहता है ये तुम्हारी साइकोलॉजिस्ट है। क्लोई यहाँ पर बहाना बनाती है, कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। जब वो घर पर जा रहे थे तो ज्यादा पीने की वजह से क्लोई को उल्टी आ गई। वो गाड़ी से नीचे उतरी पर उसे आगे पॉल दिख रहा था, वहां से वो डर कर भागी और एक जगह पर टकरा कर नीचे गिर गई। लुइस फिर उसे घर लेकर आता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लोई जब पॉल के साथ इंटीमेट हो रही थी तो पॉल उसे पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड और मैं हम दोनों में से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन है। क्लोई कहती है कि मैं डिसाइड नहीं कर पाती, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो उसके बारे में सोचती हूँ और जब उसके साथ तो तुम्हारे बारे में। पॉल कहता है कि क्या वो भी मेरी तरह तुमसे इंटीमेट होता है। यहाँ पर क्लोई को पता चल जाता है पॉल को लुइस के बारे में पता है। वो कहता है कि मेरी तरह मेरा ब्रदर कभी भी तुम्हें क्यूर नहीं कर पाएगा, वो अब क्लोई को सिर्फ अपने लिए चाहता है।
वो कहता है कि लुइस हमेशा बहुत ही घटिया ब्रदर था। वो चाहता था कि मैं कभी भी उसकी लाइफ में ना हो। उसने अब वे अचीव कर लिया है। रात में क्लोई लुइस से बात करती है और कहती है कि मैं अब साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाने वाली। लुइस कहता है तुम्हारा स्टमक पेन अभी भी कंटिन्यू है, तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तुम्हें अपने सेशन कंटिन्यू करने चाहिए। लोई कहती है कि हमेशा मैं उसके बारे में ही सोचती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। लुइस कहता है साइकोलॉजिस्ट के बारे में सोचना ये भी एक अच्छा साइन है, अपनी थेरेपी तुम कंटिन्यू करो, तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक दिन क्लोई और पॉल बात कर रहे थे। पॉल क्लोई को कहता है कि मैं लुइस से बड़ा हूँ, हमेशा मैं उससे ताकतवर था, मेरे चांसेस ऑफ सर्वाइवल ये हमेशा उससे अच्छे थे, वो वीक है। कुछ कल्चर्स में जब ट्वींस बॉर्न होते हैं उनमें से जो वीक होता है उसे वो लोग मार डालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस क्लोए को डिनर पर लेकर आया हुआ है। क्लोए अब एडमिट करती है कि थेरेपी पे जाना उसके लिए अच्छा था। लुइस आज बहुत ही खुश है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। क्लोए भी इसके लिए मान जाती है। आज रात जब ये इंटीमेट होते हैं तो क्लोए बेड में डोमिनेंट थी। उसने चेक किया तो अब वो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट टाइम जब वो पॉल से मिलने के लिए आई तो इसके बारे में उसने उसे बता दिया। पॉल कहता है तुम्हें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं और मेरे ब्रदर में सेम जीन्स है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोए पॉल से कहती है कि तुम दोनों में क्या हुआ था, उसे अब पूरा ट्रूथ जानना है। पॉल कहता है कि तुम लुइस से ही पूछ लो, वो मुझे हेट करता है। इस बात पे इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। क्लोए फिर डॉक्टर के पास सोनोग्राफी करने के लिए आई हुई थी। डॉक्टर उसके पेट में बेबी को ढूंढ नहीं पाते। वो पॉल को इग्नोर करने लग गई थी और उसे मिलने के लिए नहीं जाती। कॉल उसे मिलना चाहता है, उसे कॉल कर बताता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी चाहता हूँ। क्लोए मानने नहीं वाली। एक दिन क्लोए अपने जॉब पर थी तो वहां पर लुइस आया। उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लंच के लिए लेकर जाता हूँ। क्लोए जिस म्यूजियम में काम करती है उसका थीम फ्लेश एंड ब्लड है। अलग अलग अजीब सी चीजें यहाँ हम देख सकते हैं। लंच पर लुइस ने क्लोए को उसकी कैट का एक नेकलेस दिया। ये जब किस करते हैं तो क्लोए को पता चलता है कि लुइस नहीं तो पॉल है। पॉल कहता है कि मुझे किसी भी हालत में तुम्हें देखना था। वो कहता है हम दोनों की रिलेशनशिप हम एक सीक्रेट रख सकते हैं। गुस्से में वो वहां से जा रही थी तो पॉल कहता है कि लुइस से तुम सैंड्रा के बारे में पूछो। रात में आकर क्लोए ने लुइस से बात की। उसे कहती है मेरे एक फ्रेंड से मिली थी जिसका नाम था सैंड्रा, पर लुइस इस पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसके बाद वो लुइस के सब सामान में देखने लग जाती है और उसमें एक न्यूज़पेपर कटिंग में उसे सैंड्रा का नाम मिलता है। उसका एड्रेस भी उसे मिल चुका था तो सैंड्रा को देखने के लिए उसके घर पर आए। सैंड्रा की मदर ने उसे कहा कि सैंड्रा अब कहीं चल फिर नहीं सकती। क्लोए ने सैंड्रा को देखा पर वो टोटली अनरिस्पॉन्सिव है। अब हुआ क्या था इसके बारे में वो सैंड्रा की मदर से पूछती है। सैंड्रा की मदर कहती है कि लुइस और सैंड्रा रिलेशनशिप में थे। पॉल बहुत ही घटिया आदमी है और वो भी सैंड्रा को चाहता था। एक दिन उसने प्रिटेंड किया कि वो लुइस है और उसने उसका रेप किया। इस इंसिडेंट के बाद पॉल ने सैंड्रा को छोड़ दिया था। सैंड्रा डिस्टर्ब हो गई और उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। इसी वजह से अब ये उसका हाल है। रात में क्लोए अकेली थी और उसे लग रहा था कि नीचे पॉल है। वो फिर अपने नेबर के पास आकर सो गई। इसके बाद क्लोए लुइस को कन्फ्रंट करती है कि तुमने सैंड्रा को छोड़ क्यों दिया था। लुइस कहता है कि सैंड्रा हमेशा पॉल से ही प्यार करती थी। क्या तुम्हें पता है कि वो प्रेग्नेंट भी थी, उसने सिर्फ मुझे यूज किया था। ये जो कन्फ्रंटेशन था ये क्लोए अपने सपने में देख रही थी। जगने के बाद वो डायरेक्टली पॉल के पास आई, पॉल को कन्फ्रंट करती है। पॉल कहता है सैंड्रा एक घटिया लड़की थी, उसने सैंड्रा के साथ जो भी किया ये उसे गलत नहीं लगता। वो क्लोए से कहता है कि जब मैं अब तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम्हें भी मुझे सैंड्रा ही दिखती है। क्लोए बहुत ही गुस्सा थी और वो पॉल से थोड़ी सी डरती भी है, तो अपने साथ उसने गन लाई थी। एक गन उसने पॉल पर लगाई पर पॉल उससे पूछता है या तुम्हें 100% मालूम है कि मैं लुइस हूँ या पॉल। अंदर से लुइस भी बाहर आ गया। क्लोए डिसाइड नहीं कर पाई कि कौन सा कौन है। उसने इनमें से एक पर गन चलाई। अचानक से उसका पेट दुखने लग गया, उसे ब्लीडिंग होने लग गई। उसे फिर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लोए जब सैंड्रा की मदर को मिलने के लिए गई हुई थी, जो मदर हमने देखी थी ये एक्चुअल में क्लोए की मदर है। क्लोए प्रेग्नेंट थी ही नहीं। जब वो अपनी मदर की वूम में थी तब उसके साथ उसकी ट्विन सिस्टर भी थी। उसने अपनी ट्विन सिस्टर को एब्जॉर्ब कर लिया। क्लोए के पेट में एक सिस्ट थी। ये सिस्ट उसकी सिस्टर को उसने एब्जॉर्ब किया था, इसी वजह से थी। इस सिस्ट की हम इमेज देखते हैं तो क्लोए के म्यूजियम के आर्ट से ये मैच करती है। क्लोए अब जरा ठीक है और लुइस और इसकी मदर उसे मिलने के लिए जाते हैं। क्लोए को बहुत ही गिल्टी लगता है कि उसने अपनी सिस्टर को मार डाला। लुइस कहता है ये ऐसा नहीं होता।
इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। जब रात में क्लोए और लुइस इंटीमेट होते हैं तो अपनी सिस्टर, जिसका नाम उसकी मदर सैंड्रा रखने वाली थी, इसी को मिरर में देखती है। यही मूवी एंड हो जाती है। अब मूवी में हमें जो दिखाया गया है, लुइस और पॉल, ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। एक्चुअल में लुइस रियल था और उसका ब्रदर पॉल, जो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसे जो चाहिए वो छीन लेता है। ये सब क्लोए की इमेजिनेशन थी। उसे हमेशा से गिल्टी लग रहा था कि उसने अपनी सिस्टर को मार डाला, इसलिए वो सब इमेजिन कर रही थी। वो सैंड्रा को मिलने के लिए गई। उसे लगा कि पॉल ने उसके साथ बहुत ही गलत किया है। पॉल ये क्लोए का ही एक रिफ्लेक्शन था। वो अपने आप को पॉल की तरह एक घटिया इंसान समझती थी। इसी वजह से सैंड्रा और क्लोए की मदर एक ही है। और फिर से मैं क्लियर करता हूँ कि सैंड्रा क्लोए की सिस्टर थी, जो वूम में ही मर चुकी थी। क्लोए पॉल को इमेजिन कर रही थी। पॉल ने सैंड्रा के साथ कुछ गलत किया, ये भी सब कुछ उसका इमेजिनेशन था। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया गया है क्लोए सैंड्रा को देख रही है। क्लोए को अभी भी लगता है कि सैंड्रा उसके साथ ही है। इसी तरीके से मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।